नमस्कार बच्चों, आवाज आ रही है? थोड़ा हाथ हिलाए आप, आवाज आ रही हो तो। चलिए ठीक, धन्यवाद। आज अपन अर्धचालक युक्तियों के विषय में, उसमें पीएन जंक्शन, पीएन डायोड के विषय में पढ़ेंगे। इसके पहले थोड़ा सा शॉर्ट में बताता हूं अर्धचालक क्या होता है। अब जानते हैं अपन ठोस तीन प्रकार के, चालक, कुचालक और अर्धचालक। तो सामान्यतः जो ठोस होते हैं वो क्या होते हैं, कुचालक की तरह कार्य करते हैं, और थोड़ा सा टेम्परेचर अगर उनका बढ़ा दिया जाए तो वो चालक की भांति कार्य करने लगते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, अर्धचालक। तो अर्धचालक दो प्रकार के हैं, निज अर्धचालक या बाह्य अर्धचालक। निज अर्धचालक क्या होता है, शुद्ध, जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन आदि शुद्ध अवस्था में। तो क्या होते हैं, कम ताप पर ये क्या होते हैं, कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं, तथा ताप बढ़ाने पर ये चालक की तैयारी करने लगते हैं। और बाह्य अर्धचालक या अशुद्ध चालक, अब इसमें क्या है, अगर अपन अशुद्धियां मिला दी जाए तो ये क्या होते हैं, सामान्य ताप पर भी चालक जैसा व्यवहार करने लगते हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं, पी और एन। तो पी अर्धचालक कैसे बनेगा, तो शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी परमाणु, जैसे एल्युमिनियम, इंडियम, बोरान आदि की अशुद्धि हम मिला दी जाए तो क्या कहलाता है, वो पी टाइप का या ग्राही अर्धचालक। और इसके विषय में आप पहले पढ़ चुके होंगे पिछले पीरियड्स वगैरह में, लेकिन तभी थोड़ा सा बीच में चर्चा कर रहे हैं। अब एन टाइप का क्या होगा, यदि वही शुद्ध अर्धचालक जैसे मान लीजिए सिलिकॉन है या जर्मेनियम है, इसमें पंच संयोजी परमाणु जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी वगैरह आदि की अशुद्धियां मिला दी है पंच संयोजी, तो जो शुद्ध अर्धचालक है यदि उसमें त्रिसंयोजी की मिला दी जाएगी तो पी टाइप अर्धचालक बन जाएगा, यदि उसमें पंच संयोजी अशुद्धि मिला दी जाएगी तो वो क्या बनेगा, एन टाइप बन जाएगा। ये जो अशुद्धियां मिलाने का है एक विशेष प्रक्रिया होता है डोपिंग मेथड के द्वारा। किसके द्वारा, डोपिंग विधि के द्वारा अपन क्या करते हैं, इसमें अशुद्धियां मिलाई जाती हैं। अब चूंकि हम जानते हैं कि शुद्ध अर्धचालक की संयोजकता चार होती है, तो ये सामान्य ताप पर क्या रहते हैं, कम ताप पर इनकी चारों संयोजकता है दूसरे परमाणुओं से संयुक्त रहती है और इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता है, इसके कारण क्या होते हैं, ये कुचालक होते हैं। जैसे ही इनका ताप बढ़ा दिया जाता है तो उसमें से कुछ बंध क्या होते हैं, टूट जाते हैं, जिससे उसमें क्या हो जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसमें विद्युत धारा प्रवाह होने। और यह भी हम जानते हैं कि विद्युत धारा प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है, अर्थात वह इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वही क्या करते हैं, विद्युत धारा का प्रवाह, अर्थात आवेश कैरियर भी में कहा जाता है, चार्ज कैरियर के रूप में भी ये यूज किए जाते हैं। तो चार्ज वही होंगे जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद विद्युत धाराएं कितने प्रकार की होती है, ये भी आप पढ़ चुके होंगे। एक डायरेक्ट करंट होता है जिसे दिष्ट धारा कहते हैं, और दूसरी होती है प्रत्यावर्ती धारा, उसे अपन क्या कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। अर्थात जो प्रत्यावर्ती धारा है वो तरंग के रूप में चलती है प्रति सेकंड में, उसका हर समय समय के साथ क्या होता है, मान में परिवर्तन होता रहता है, जबकि दिष्ट धारा क्या होती है, एक सरल रेखा में, सरल रेखा के रूप में प्राप्त होती है। तो इसके विषय में आज अपन चर्चा करेंगे, अर्थात अपना क्या है, पीएन जंक्शन या पीएन संधि डायोड। अब डायोड बाल्ब कहलाता है, डायोड, डाई मतलब इसमें दो, डाई मीन्स दो, ओड मतलब इलेक्ट्रोड, जिसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं वो डायोड। बाल्ब, बाल्ब आप जानते हैं, जैसे मान लीजिए अपन साइकिल के में बाल बाटी लगाते हैं ना, उसमें भी बाल लगाया जाता है, फंक्शन क्या होता है, एक तरफ या तो क्या होगा, जाने देगा या निकल देगा, तो एक ही तरफ फंक्शन करता है। तो इसमें आगे अपन चर्चा करेंगे तो इसमें ये समझ में आएगी, तो जनरल चीजें थी। तो सबसे पहले मैंने बताया अर्धचालक क्या होते हैं, फिर से थोड़ा सा थॉट में
ये आप पढ़ चुके होंगे, आपको यह मालूम भी होगा, लेकिन तब भी तो अर्धचालक वह होते हैं वे पदार्थ, ठोस पदार्थ जो कम ताप पर तो कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं, अर्थात उनमें से धारा प्रवाह नहीं होता है, और टेम्परेचर बढ़ाने पर अर्थात ताप बढ़ाने पर वह चालन चालक जैसा व्यवहार करते हैं, अर्थात उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, तो वो क्या कहलाते हैं? अर्धचालक। अब अर्धचालक भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो निज अर्धचालक वह चालक होता है जो शुद्ध होता है, जैसे मान लीजिए सिलिकॉन या जर्मेनियम शुद्ध अवस्था में, उसमें कोई भी प्रकार की अशुद्धि नहीं मिली होती, तो ये क्या है? बाह्य अर्धचालक क्या हुआ? इसमें अपन क्योंकि सिलिकॉन और जर्मेनियम चतुर समूह के तत्व है, अर्थात इनकी संयोजकता चार होती है, अब इसमें अपन इसको क्या बनाना चाह रहे हैं? विद्युत धारा चालक के रूप में, तो या तो त्रिसंयोजी अथवा पंच संयोजी तत्वों की अशुद्धियां एक विशेष मेथड जिसे अपन डोपिंग भी कहते हैं के द्वारा बनाई जाती हैं, मिलाई जाती हैं। जब इसमें शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी मिला देंगे तो पी टाइप हो जाएगा, अर्थात इसमें आवेश वाहक के रूप में होल कार्य करेंगे, और यदि इसी शुद्ध अर्धचालक सिलिकॉन या जर्मेनियम में यदि पंच संयोजी परमाणु जैसे मान ली आर्सेनिक एंटीमनी फास्फोरस आदि जिनकी संयोजकता पांच है, ये अशुद्धियां मिला दी जाती हैं, तो इसको अपन पी टाइप या दाता अर्धचालक कहेंगे। इसमें आवेश वाहक क्या होंगे? पी वाले में क्या होंगे? बहु जो आवेश वाहक होंगे वो होंगे होल, ठीक है, तो ये पी टाइप। इसके बाद पीएन संधि, तो पीएन संधि डायोड क्या होता है, जो कि अपना मेन आज इसका यूज करेंगे अपन, उपयोग क्या है ये पढ़ेंगे। तो पीएन संधि या तो क्या किया जाए, शुद्ध अर्धचालक में के क्रिस्टल के जो होता है उसके आधे भाग में त्रिसंयोजी और आधे भाग में पंच संयोजी अशुद्धियां मिला दी जाए, तो क्या बन जाएगा? पी और एन संधि डायोड, किसे आगे डायोड मैंने बताया था, या एक पी प्रकार के टाइप का अर्धचालक ले लिया जाए और एन टाइप का अर्धचालक ले लिया जाए, इसकी एक एक सतह को पिघलाकर एक विशेष विधि द्वारा कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो इसको भी इसी को अपन पीएन संधि डायोड कहते हैं। संधि क्यों? जहां पे जुड़ती है, क्योंकि हम जानते हैं पी जो टाइप का अर्धचालक होता है उसमें आवेश वाहक होल होते हैं और टाइप वाले चालक में इलेक्ट्रॉन होते हैं बहुसंख्यक, ठीक है। अब चूंकि जैसे ही संधि बनाई जाती है, यहां पर होल जो होते हैं और इलेक्ट्रॉन ये आपस में एक दूसरे के द्वारा उदासीन हो जाते हैं, इससे जहां पर ये पीएन संधि बनती है वहां पर उदासीन होने के कारण ना ही आपको होल मिलेंगे और ना ही इलेक्ट्रॉन, अर्थात वो क्षेत्र क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा थोड़ा। इसको ही क्या कहा जाता है? अपक्षय पथ की लंबाई मोटाई बहुत कम होती है, अपक्षय पथ क्या हो गई? ऐसा क्षेत्र जहां होल और ना ही इलेक्ट्रॉन प्राप्त, अर्थात उदासीन होता है, वह क्षेत्र क्या कहलाता है? अपना अपचय पथ। ये कहां पे होता है? जहां पर पीएन संधि यानी पी और एन प्रकार के डायोड जहां पर होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है ये मैं बताया, जैसे पी में क्या है? होल, और एन वाले टाइप अर्धचालक में क्या है? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, अर्थात जब इलेक्ट्रॉन होल और इलेक्ट्रॉन आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे के क्या करते, क्रिया करके उदासीन जाते हैं, जिससे वहां पर ना ही अपन अपने को होल मिलेंगे और ना ही इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, वह क्षेत्र अपना क्या कहलाता है? अपचय पथ कहलाता है। अब चूंकि पी ने इलेक्ट्रॉन दिया है और एन ने, तो इनके पी और एन के बीच में क्या हो जाता है? एक आवेश उत्पन्न होता है, पी वाले पे ऋणात्मक हो जाएगा और एन वाले पे आंशिक रूप से धनात्मक, तो यहाँ पे बैटरी जैसा, जैसे ही आवेश में क्या हो जाता है? अंतर हो जाने के कारण इनका एक बैटरी जैसा कार्य करने लगता है, जिसको अपन क्या कहेंगे? यहाँ पे विभव लग जाता है, प्राचीर विभव,
प्राचीर विभव में उत्पन्न हुआ, पी संधि से जो अपने पी वाला पद चालक था वहां से होल गए और एन वाले से इलेक्ट्रॉन निकले, तो एक जहां से इलेक्ट्रॉन कम हुए और यहां से होल, तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। इसके कारण ये बैटरी का कार्य करने लगा, इसको ही हम क्या कहेंगे, प्राचीर विभव। अतः आप लोग समझ गए होंगे पीएन संधि क्या होती है, अपचय पथ क्या होता है। समझ में आया तो हाथ उठाए बेटे, अगर समझ में आया तो आप हाथ उठाए, ठीक है, ठीक, धन्यवाद। अब इसके बाद आगे चलते हैं, तो पीएन संधि डायोड बाल की कार्य करता है, तो पीएन संधि आपको समझ में आ गई, डायोड क्यों कहा गया, इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसलिए डायोड, डाई मतलब दो, ओड मतलब इलेक्ट्रॉन, बाल्ब यानी बाल्ब का फंक्शन, जो कि अपन आगे अभी देखेंगे, बाल्ब किसे कहते हैं, बाल्ब का फंक्शन एक ही तरफ होता है, ठीक है ना, वन साइडेड होता है, और उसका यूज आगे करेंगे और बताएंगे कैसे कार्य करता है। अब इसका संकेत देखिए, इसको दर्शाया कैसे जाता है, ये जो चित्र में आप तो देख रहे होंगे, पी और एन ताया है, इसको गोले में भी खींचा गया है, या सिंपल अपन चाहे तो राउंड इसका नहीं करते हैं। अपचय पथ के विषय में आपको हमने बताई दिया है, अपचय पथ क्या होती है, पीएन देखिए, पीएन संधि के दोनों ओर निश्चल आयनों से बनी, अर्थात आयन उसमें क्या हो जाएंगे, उदासीनीकरण हो जाएंगे, जिसमें कोई आवेश वाहक नहीं होता है। तो यहाँ पे अपन देखिए, पीएन संधि मैंने बताया था होल होते हैं, और एन संधि में क्या होते हैं, एन चालक में इलेक्ट्रॉन, अर्थात एक दूसरे के द्वारा ये क्रिया करके आपस में क्या हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं। भाई वह क्षेत्र पीएन संधि के दोनों ओर, वह क्षेत्र जहां पर आवेश वाहक नहीं होते हैं, वो क्या कहलाती है, अपचय पथ कहलाती है। तो संकेत आपको समझ में आ गया है, पीएन संधि का संकेत, जो पीएन संधि है उसको डायोड कैसे अपन दर्शा रहे हैं ये हमने बता दिया है, इसका यूज अपन संकेत के रूप में आगे करेंगे। अब देखिए पीएन संधि अग्रवनित और पश्चिम, इसका भी उपयोग होगा, तो जैसे मैंने बताया था कि एक ही एक तरफ फंक्शन करता है, अग्र अविनत कब होगा और पश्चिम अविनत कब होगा, इसमें से केवल बैटरी का अपन जो संबंध करेंगे, तो अग्र अविनत अर्थात इसमें क्या आएगी, धारा बहेगी, तो इस परिपथ में क्या करते हैं, पी अर्धचालक को के बैटरी दो है, बताया हुआ संबंध देखिए इसमें, पी और के बैटरी के धन सिरे से तथा एन अर्धचालक को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ा जाता है, ठीक है। देखिए इसका सर्किट मैंने दिखाया है आपको, चित्र में दिखाया, सर्किट डायग्राम बना हुआ है, इसमें देखते हैं। अब देखिए ये अपन जान रहे हैं, मैंने आपको पहले ही बताया, पी में क्या होते हैं, आवेश वाहक के रूप में क्या होते हैं, होल, अर्थात इसे धन आवेश मान के चलते हैं, और एन वाले में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिन पे आवेश ऋण होता है। अब जैसे ही इनके बीच में विभव लगाया जाता है, तो पी पर धन आवेश है, अर्थात यहां से जो आवेश वाहक होंगे उन पर कौन सा आवेश है, धन है, अर्थात ये यहां से क्या होंगे, प्रतिकर्षित होंगे। इसी प्रकार एन क्षेत्र से जो होगा इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, वो भी यहां पर भी इलेक्ट्रॉन है, प्रतिकर्षित होंगे, और अपचय पत्र को जो अपचय पत्र है अपनी, उसको क्रॉस करके आवेश वाहक एक दूसरे की ओर जाने लगे, अर्थात यहां से अपन को क्या हो जाएगी, धन होने लगती है, ठीक है ना। जब पीएन संधि को अग्र अविनत में जोड़ा जाता है, तो उसको शॉर्ट में कह सकते हैं, तो आपको धारा, विद्युत धारा प्राप्त होगी। अब यदि पश्चिम अविनत या उत्क्रम अविनत में, उत्क्रम का मतलब है उल्टा कर दिया जाए, अर्थात पीएन संधि के जो धन वाला सिरा था बैटरी के, उसको देखिए इसमें चित्र में दिखा रहा हूं मैं, देखिए ये चित्र है इसका, आपने पहले देखा था, उसमें देखिए हमने पीएन संधि को बैटरी केवल चेंज की, तो पीएन संधि का पश्चिम उत्क्रम अविनत, यानी इसको क्या किया है, उल्टा कर दिया, किसको, बैटरी के जो सिरे थे अपने, अपने विभव लगाया था पहले पी वाले जो पश्चिम अविनत अग्र अविनत में क्या था, पी को पी के धन सिरे से और एन को क्या किया था अपन ने, ऋण सिरे से जोड़ा था। लेकिन पश्चिम अविनत में क्या होगा, जब पी वाला भाग पीएन संधि का पी वाला भाग है जो पी टाइप वाला चालक, उसको ऋण से जोड़ देंगे और
एन वाले को धन से जोड़ेंगे तो इसमें क्या होगा, क्योंकि अपन जानते हैं पी वाले में होल है अर्थात धन आवेश मान के चल रहे हैं, तो ऋण आवेश से क्या हो जाएंगे, ये आकर्षित हो जाएंगे। इसी प्रकार एन क्षेत्र के जो ऋण इलेक्ट्रॉन है वो धन वाले से आकर्षित हो जाएंगे, अर्थात इसमें क्या होगा, आवेश वाहक जो अपनी अक्षय पर्थ है उसके द्वारा गमन नहीं कर पाएंगे। अर्थात विद्युत जब विद्युत धारा जब इलेक्ट्रॉन नहीं बहेंगे तो अपने को विद्युत धारा भी प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि हम जानते हैं विद्युत धारा किसे कहते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब इलेक्ट्रॉन बहेंगे तो क्या होगी, विद्युत धारा प्राप्त होगी, अन्यथा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर वही है, लेकिन बिल्कुल शून्य धारा नहीं होती, कुछ विक्षोभ या अन्य होने के कारण कुछ इलेक्ट्रॉन या बंध आपस में टूटते रहते हैं, छिन्न रूप में अपने को विद्युत धारा प्राप्त होती रहती है। अर्थात इससे वही निष्कर्ष है, जब पीएन संधि अग्र अभिनत में होगी तो विद्युत धारा प्राप्त होगी, अन्यथा नहीं। और दूसरा, जैसे पीएन संधि अगर पश्चिम अभिनत में है तो यहां से विद्युत धारा अपने को प्राप्त नहीं होगी। इससे ये निष्कर्ष निकला है कि अगर पीएन संधि डायोड अग्र अभिनत में है तो अपन विद्युत धारा प्राप्त कर सकते हैं, और पश्चिम अभिनत में है तो उसका विद्युत धारा को प्राप्त नहीं किया जाता है। अब इसका उपयोग अपन करते हैं दिष्टकारी के वक्त। अब दिष्टकारी मतलब क्या है, जब अल्टरनेटिंग करेंट या प्रत्यावर्ती धारा को किसी युक्ति के द्वारा डायरेक्ट करेंट या दिष्ट धारा में परिवर्तित किया जाता है, बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं, दिष्ट करा, और जिसके द्वारा किया जाता है वो क्या कहलाता है, दिष्टकारी। प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट के रूप में बहती है, आप जानते हैं, देखिए ये मैंने बताया है, ये देखिए क्या प्रत्यावर्ती धारा है, इस प्रकार से अल्टरनेटिंग करंट में ये बताया गया है, देखिए ऊपर समय के साथ इसके मान में लगातार परिवर्तन होता जा रहा है, ये क्या कह रहा है, प्रत्यावर्ती धारा। और दिष्ट धारा क्या होती है, एक सीधी रेखा में गमन करती है, तो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तन करने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। तो ये मैं पहले बताऊं, प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, अल्टरनेट कहते हैं इंग्लिश में इसको, प्रत्यावर्ती धारा अर्थात तरंग के रूप में गमन करती है, और दिष्ट धारा क्या होती है, एक सीधी रेखा के रूप में गमन करती है, अर्थात वही है पीएन संधि का उपयोग अपन डायोड की भांति, सॉरी क्या है, दिष्ट करण के भांति जा रहा है। तो पहले क्या है, अर्ध तरंग रिजगान, तरंग एक पूरा हो, पूरी तरंग पूरी में हो, तो पहले उसका आधा भाग, अर्थात वहां पे अपन देखिए सर्किट डायग्राम, मैंने इसका डायग्राम बनाया हुआ है, ये आप इसको देखेंगे, निवेशी विभव के रूप में मैंने एसी आपको ये दिखाया है, ये इस अल्टरनेटिंग करंट का सैंपल है, ये यहाँ पे ट्रांजिस्टर टी क्या है, ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ट्रांसफार्मर के में ये आप जानते हैं दो कुंडलियां होती हैं, एक प्राइमरी कुंडली होती है और एक सेकेंडरी। ट्रांसफार्मर के विषय में आप जानते हैं ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है, स्टेप और स्टेप अप एंड स्टेप डाउन, अर्थात ऊंचाई और अपचाई, जो धारा के मान को बढ़ाते ऊंचाई कहलाता है और जो धारा के मान को घटाते वो क्या कहलाता है, अपचाई। समझ में आ रहा है ना आपको, हाथ उठाए, समझ में आ रहा हो तो आप हाथ हिलाए बेटे, नहीं आ रहा है क्या, आवाज आ रही है हमारी, आ रहा है, अगर आवाज आ रही हो तो ठीक है, इसका मतलब नहीं आ रहा, क्या चीज समझ में नहीं आ रही है, ट्रांसफार्मर के विषय में या पीएन संधि, तो समझ में आ गया है आपको, पीएन संधि डायोड किसे कहते हैं, हाथ उठाए, पीएन संधि डायोड समझ में आ गया, तो आपको पीएन संधि नहीं समझ में आई, फिर बताएं क्या, अगर समझ में आ, ठीक है धन्यवाद, मन से लाए, अगर समझ में आया तो ठीक, कुछ लोग देख रहे हैं कि आवाज क्या है, अनमनी अवन से उठा रहे हैं, तो मैं शॉर्ट में एक बार फिर से बताता हूँ पीएन संधि क्या होती है, इसका यूज है, ये तो आप पढ़ चुके होंगे, पीएन संधि का उपयोग मेरे को बताना है, तो पीएन संधि आपको बताया था, पी प्रकार का चालक ले लें और दूसरा एन प्रकार चालक, इनकी दोनों सतह को पिघलाकर एक विशेष विधि के द्वारा क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है, तो ये क्या कहलाती, चूंकि पीएन दो मिलके इसलिए यहाँ पे संधि,
डायोड मैंने आपको बताया क्यों कहा गया है कि इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं और बाल्व, क्योंकि ये बाल्व की तरह उपयोग किया जाता है, बाल्व का फंक्शन मैं आपको बता चुका हूं, बाल्व की तरह उपयोग किया जाता है इसलिए इसको बाल्व कहा जाता है। ठीक है, इसमें जैसी संधि बनाई जाती है तो पी क्षेत्र के होल एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉनों से आपस में क्रिया करके क्या कर लेते हैं, उदासीन बनाते हैं, एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं, निरस्त। तो एक छोटे से क्षेत्र में अपचय परत का निर्माण हो जाता है। ठीक है, ये क्या था, पीएन संधि। अब पीएन संधि का उपयोग मैं आपको बता रहा हूं अर्ध तरंग दृष्टकारी के रूप में, अर्थात अल्टरनेटिंग करेंट या प्रत्यावर्ती धारा को डायरेक्ट करेंट या दृष्ट धारा में परिवर्तन करने की क्रिया को क्या कहते हैं, दृष्टकरण। और जिसके द्वारा ये कहा जा किया जाती है वो प्रक्रिया क्या कहलाता है, वो यंत्र या उसको मान लो कहलाता है दृष्ट, जिसका यूज अपन कर रहे हैं पीएन संधि डायोड। ठीक है, आया समझ में। अब इसका मैंने, ठीक है, सर्किट डायग्राम देखिए आपको दिखाया है डायग्राम, यहाँ पर ये चित्र में आप देखें ऊपर एसी यानी अल्टरनेटिंग करेंट, इसको अपन क्या कह देंगे, नेवेसी विभव। ठीक है, ये अपन ने बताई, एक ट्रांसफार्मर टी लगा हुआ है, ये ट्रांसफार्मर का संकेत है जो दिखाया गया है, ये ट्रांसफार्मर के द्वारा बताया जाता है। यहाँ ट्रांसफार्मर में जानते हैं दो कुंडली होती है, एक प्राइमरी होती है और एक सेकेंडरी होती है। तो प्राइमरी जिसमें विद्युत धारा यानी इनपुट होता है वो प्राइमरी, आउटपुट वाले को कहते हैं सेकेंडरी कहते हैं। इसको हमने एल वन पहली कुंडली बता दी है और एल टू सेकेंडरी कुंडली। इसके साथ में ही हमने एक श्रेणी क्रम में आपको क्या है, पीएन संधि डायोड जुड़ा दिखाई दे रहा है। इसके साथ में ही लोड आर एल ये आपको दिख रहा है। यहां तक समझ में आया, ये अपना क्या कहलाता है, इसका जो के रूप में उपयोग कर रहे हैं उसका डायग्राम कहलाता है। इसमें क्या होता है, एक अल्टरनेटिंग, जिसको अपन को क्या है, जिस धारा को रेक्टिफायर करना है अर्थात दृष्ट करण के रूप में किया, यहाँ पे इनपुट के रूप में यूज किया जाता है ट्रांसफार्मर के द्वारा। यहाँ पे एक पीएन संधि डायोड लगा हुआ है, इसकी प्रारंभिक कुंडली में, जिसको ट्रांसफार्मर की प्रारंभिक कुंडली में इनपुट अर्थात निवेशी धारा, जिसको अपन को दृष्ट करण करना है, और आउटपुट अपने को जो मिलेगा। इसमें जैसे ही अपन जानते हैं दिष्ट जो प्रत्यावर्ती धारा है, समय के साथ इसका मान परिवर्तित होता जाता है। मान लीजिए आधे चक्र में, ये नीचे आप देखेंगे, आधे चक्र में धारा का मान धनात्मक है, अर्थात इसके सिरे मान लीजिए यहां पर धारा में धन वाला हिस्सा गया, अर्थात तो अब देखेंगे कि ये भाग जो अपना होगा अग्र अग्नित की बात कार्य करने लगेगा। आ रहा है समझ में, जैसे ही आधे मान के चले कि आधे चक्र के में धनात्मक धारा का मान धनात्मक है, जैसे ये धन के रूप में होगी तो यहां पर क्या हो जाएगा, पीएन संधि डायोड का पी सीधा धन से और जो एन वाला हो जाएगा वो ऋणात्मक हो जाएगा, अर्थात यह अग्र अग्नित की बात करे कार्य करने लगेगा और लोड आर के द्वारा अपने को विद्युत धारा प्राप्त हो जाएगी। जैसे मैंने आपके चित्र के द्वारा बताया है, देखिए यहाँ पे ये निवेशी विभव है, यहाँ पे धारा अपन जा रहे हैं, अल्टरनेटिंग करंट इस प्रकार से चलता है। जैसे ये धनात्मक श्रेणी में होगी तो पीएन अपना ये डायोड, जिसको डायोड बाल भी कहते हैं, पीएन संधि बस अग्र अग्नित होगी, इससे अर्थात अपने को धारा मिला लेगी। सेकंड आधे चक्र में जैसे ही अगली कंडीशन में आएगा तो सेकंड आधे चक्र में जो हिस्सा मान लीजिए यहाँ पे ए है, ये नीचे वाला बी है, पहले आधे चक्र में धनात्मक तो ये वाला ए सिरा धनात्मक हो जाएगा तो अग्र अग्नित हो जाएगा। जैसे ही अर्ध चक्र में नीचे वाला हिस्सा आप ये बता रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, ऋण वाला हिस्सा हो जाएगा, अर्थात पी ऋणात्मक हो जाएगा और एन क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा, जिससे यह क्या होगा, पश्च अग्नित की तरह व्यवहार करने लगेगा, अर्थात इसमें धारा प्राप्त नहीं होगी। वही चीज हमने बताया, अगले चक्र सेकेंड चक्र अगला दूसरा जैसे ही आया, ये चक्र अपना यहाँ से जीरो से टू पाई तक गया, एक चक्र हो गया, फिर इसके बाद जैसे ही अगले दूसरे चक्र में आएगा तो इसका मान धनात्मक हो जाएगा और दूसरा धारा अपन को अग्र अग्नित में हो जाएगा और अपने को धारा इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगी। चूंकि ये जो पूरा एक चक्र होता है अपना, उसके आधे चक्र में अपने को धारा प्राप्त हो रही है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, अर्ध चक्र, अर्ध तरंग, पूरी तरंग है, पूरा एक जीरो से लेके अपर टू पाई तक है, तो ये तो अपना पूरा चक्कर हो जाता है। जैसे मान लीजिए ये आधा चक्कर अपन ने हिस्सा ही उसको
इसको ही अपन क्या करें, ये है और उस वाले आदेश से तो नीचे ले जाएं, अर्थात ये पूरा अपना तरंग हो गया ना, तो ये वाला धनात्मक हो गया और ये निरात्मक, ये तो आप जानते ही हैं, अर्थात वही है। इससे हुआ, इससे यही निष्कर्ष निकला है कि जैसे ही जब जब अपने को अग्र अभिनत में पीएन संधि डायोड होगा तो अपने को धारा प्राप्त हो जाएगी, और जैसे ही वो पश्च अभिनत में आएगा तो अपने को धारा प्राप्त नहीं होगी। अर्थात जो पूर्ण तरंग है उसका आधा भाग ही क्या कर पा रहे हैं अपन, रेक्टिफाइड कर पा रहे हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, अर्ध तरंग ऋजुकरण। ठीक है, समझ में आया, हाथ उठाए। चलिए ठीक है, सभी लोगों को समझ नहीं आ रहा, फिर क्या है, शॉर्ट में एक बार देखिए, फिर से हम बता रहे हैं, क्योंकि इसी के आधार पर जो अपन पूर्ण तरंग और ऋजुकरण करेंगे उसको भी वही है, थोड़ा सा अंतर है उसमें उसकी, इसलिए इसको समझ क्या होता है अर्ध तरंग के रूप में, अर्थात अपन यहाँ पे प्रत्यावर्ती धारा को किसमें परिवर्तित कर रहे हैं, इसलिए अल्टरनेटिंग का सर्किट डायग्राम मैंने बनाया है। ये देखिए अल्टरनेटिंग कराई, ट्रांसफार्मर ले लिया है, ट्रांसफार्मर में आप जानते दो कुंडली होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी कुंडली में अपने क्या लिया है, जिस धारा को अपन को रेक्टिफायर करना है अर्थात दिष्टकरण के रूप में उपयोग करना है, उसको क्या ले लिया अपन ने, इनपुट की जरह अर्थात निवेशी धारा के रूप में। और ये ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली को क्या किया है हमने, द्वितीय कुंडली से श्रेणी क्रम में क्या जुड़ा हुआ है, डायोड पीएन डायोड जुड़ा हुआ है, और इसी के साथ में लोड प्रतिरोध अपना लिखा हुआ है आरएल ही जुड़ा हुआ है। अब इसकी ये तो हो गई थी इसकी बनावट, अब कार्य विधि के लिए क्या करते हैं, जैसी कुंडली एल वन के माध्यम से निवेशी धारा के रूप में एसी को अपन देते हैं, तो जो कि हमने पहले भी आपको बताया है प्रत्यावर्ती धारा आधे चक्र में धनात्मक और आधे चक्र में क्या हो जाती है, ऋणात्मक। तो मान लीजिए पहले आधे चक्र में ये वाला हिस्सा जो है आधे चक्र में धनात्मक है, ए सिरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, धन सिरा हो जाएगा, अर्थात पी वाला भाग किससे जुड़ जाएगा, धन से, और एन वाला हो जाएगा निगेटिव से। अर्थात इस समय जो पीएन संधि अपना डायोड है वो अग्र अभिनत की तरह कार्य करेगा, और अग्र अभिनत में क्या होता है, विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है। अर्थात जैसे ही आधे चक्र में ये यहाँ पे धनात्मक है, अपने को धारा रेक्टिफायर के रूप में मिल जाएगी, जिसको हमने नीचे वाले चित्र नीचे में दर्शाया गया, जो मैं आपको इंगित कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो से पाई वाला में अपने को धारा प्राप्त हो जाएगी। द्वितीय आधे चक्र में जैसे ही, अब मान लीजिए द्वितीय आधे चक्र में बी वाला सिरा ऋण हो गया, अर्थात एन वाला धनात्मक हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, पश्च अभिनत में आ जाएगा। पश्च अभिनत में होने के कारण यहां से अपने को धारा प्राप्त नहीं होती, इसके विषय में हम पहले बता चुके हैं, धारा प्राप्त नहीं होगी। उस प्रकार देखिए हमने यहाँ पे आपको दिखाया गया, ये वाला गेप हिस्सा कर दिया, इसमें दो धारा को नहीं दर्शाया गया। इसी प्रकार जैसे द्वितीय अर्ध चक्र में उपयोग किया अपन ने, द्वितीय अर्ध चक्र में फिर वही है, ये देखिए धन वाला हिस्सा हो गया, यहां से फिर धन हिस्सा चला, अर्थात ये पीएन संधि अपना क्या हो जाएगा, अग्र अभिनत की तरह कार्य करने लगेगा, और फिर से अपन को धारा प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार से ये धारा अपने को लगातार आदि चक्र जो है वो रेक्टिफायर के रूप में प्राप्त हो जाएगा, इसलिए अपन इसको क्या कहते हैं, अर्ध तरंग प्रतिकारी के रूप में इसका उपयोग कर रहे हैं पीएन संधि डायोड का। ठीक है, आया समझ में। अब देखिए इसी को अपन क्या है पूर्ण तरंग के वहां उपयोग करेंगे, इसमें देखिए क्या है, थोड़ा सा अंतर है, देखिए चीज वही है, यहाँ पे क्या ले लिया अपन ने, निवेशी रूप वही है, ट्रांसफार्मर लिया, ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली से अल्टरनेटिंग करंट अर्थात प्रत्यावर्ती धारा के एल वन जो है, एल वन क्या है इसकी प्रारंभिक कुंडली है, एल टू क्या है इसकी सेकेंडरी कुंडली है। पहले आपने देखा था हमने क्या लिया था, पीएन वन एक लिया था डायोड, यानी यहाँ पे डायोड दो यूज कर रहे हैं, डी वन और डी टू। पीएन डायोड कितने यूज कर रहे हैं, पहले एक कर रहे थे, यहाँ पे दो कर रहे थे। ठीक है, अब वही चीज है जैसे आप पहले भी बताया था, पहले आधे चक्र में क्या हुआ, ये मान लीजिए वाला सिरा अपना ये ए है, ये बी है, पहले आधे चक्र में मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे मान लीजिए ये है प्रत्यावर्ती धारा, अपन बता रहे हैं इस प्रकार से ये जा रही। ठीक है, आधे चक्र में ये हिस्सा धनात्मक दर्शा रहा है, ये ऋणात्मक है, जैसे ही आधे चक्र में ये ए वाला सिरा क्या होगा, धनात्मक हो जाएगा, अर्थात डी वन अपना क्या करेगा, अग्र अभिनत की तरह कार्य करने लगेगा, और इसमें से अपने को धारा प्राप्त होने लगेगी। जैसे ही
ए वाला सिरा अग्र अभिनत होगा तो हम जानते हैं बी वाले सिरे पे क्या हो जाएगा, ऋण वाला हिस्सा है, अर्थात डी टू क्या होगा उस समय पंच में करेगा, अर्थात इससे हमको कोई भी धारा प्राप्त नहीं हो पाएगी। द्वितीय अर्ध चक्र में, द्वितीय अर्ध चक्र में जैसे मान लीजिए पहले हमने बताया था ये ए वाला सिरा क्या हो जाएगा, द्वितीय अर्ध चक्र अपना ये हुआ ये ऋणात्मक है तो ए वाला सिरा ऋणात्मक हो जाएगा और बी वाला सिरा क्या होगा धनात्मक निष्पन्न हो जाएगा। इस समय डी वन जो है वो क्या हो जाएगा पश्चिम अभिनत्व होगा और डी वन क्या हो जाएगा अग्र अभिनत्व होने के कारण यहाँ से लोड आर वन द्वारा अपन को निर्गत वोल्टेज किस रूप में प्राप्त होगा। देखिए पहले अपन ने क्या किया था, पहले आधे चक्र में ये धनात्मक है फिर ये अग्र अभिनत्व था, दूसरे आधे चक्र में ये भी अपना क्या हो गया धारा मिली, इस प्रकार से ये अपने को धारा फुल वेग आधा वेग ये धनात्मक था आधा वेग ये धनात्मक है अर्थात ये हो गया ये क्या हो गया पूर्ण वेव रेक्टिफायर हो गया है, पूर्ण वेव रेक्टिफायर के रूप में उपयोग आ गया है अर्थात ये देखिए जो दर्शा है इसमें पूर्ण वेव है। तो ये देखिए पहले अपन ने देखा था आधे चक्र में था यहाँ पे जैसे ये हमने बताया था केवल ये भाग थे ये वाला इसमें रेक्टिफायर नहीं हो रहा था नीचे, अब दूसरे क्षेत्र में इसमें ये भी हमने रेक्टिफायर के रूप में यूज कर दिया है अर्थात ये वेव भी होगी रेक्टिफायर ये वाला भी रेक्टिफायर हो गया ये अपना, इसको क्या कहते हैं इसी कारण क्योंकि पूर्ण तरंग यानी एक पूरी तरंग, पूर्ण तरंग मतलब एक जैसे मैंने बताया था पूर्ण तरंग क्या होगा आधा हिस्सा क्या ये है आधा हिस्सा ये ठीक है ना जैसे ये बताया था ये क्या हो गई पूर्ण तरंग अर्थात पूर्ण तरंग रेक्टिफायर हो गई है इसलिए इसको क्या कहते हैं पूर्ण तरंग दृष्टकारी के रूप में। एक बार फिर समझ लें देखिए तो क्या है इसलिए कहा था अगर आप अर्ध तरंग को समझ जाएंगे तो पूर्ण तरंग भी आपको क्या आने लगेगी समझ में आ जाएगी। जैसे मान लीजिए वही चीज है फिर से मैं बता रहा हूँ एक ट्रांसफार्मर है दो कुंडली होती है एक प्राइमरी होती है और एक सेकेंडरी, प्राइमरी कुंडली में जिस धारा को अपन क्या कर रहे हैं रेक्टिफाइड अर्थात प्रत्यावर्ती धारा को इनपुट रूप में इनपुट के रूप में अर्थात निवेशी धारा के रूप में करेंगे, इसकी दूसरी कुंडली जो होती है L2 यहाँ पे है द्वितीय कुंडली उसमें हमने दो एक डायोड D1 और एक डायोड D2 लगा दिया गया है ठीक है श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं चूंकि जैसे ही ये तो क्या हो गया तथा इसके साथ में श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है अपना वही लोड प्रतिरोध R क्या जुड़ा है और जिसमें निर्गत विभव अपन V0 के रूप में प्राप्त कर लेते हैं। ये तो क्या हो गया अपना जो डायग्राम है इसका विवरण कार्यविधि क्या है ये थोड़ा समझ लें। जैसे ही हमने L1 क्या है ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली उसमें निवेशी विभव के रूप में धारा को फुट किया तो पहले आधे चक्र में ये धारा का मान क्या होगा धनात्मक होगा, उस समय मान लीजिए ये सिरा A है अर्थात जो डायोड D1 है वो क्या करने लगेगा अग्र अभिनत की भात व्यवहार करने अग्र अभिनत के भात कार्य करने लगेगा अर्थात लोड RL के द्वारा निर्गत वोल्टेज अपने को प्राप्त हो जाएगा अर्थात पहले वाला ऐसा देखिए ये जो मैंने बताया था ये वाला है इसका रेक्टिफायर हिस्सा अपने को ये मिल गया है ठीक है ना। जैसे द्वितीय चक्र का आधा चक्र नीचे वाला ये वाला हिस्सा अगर अपन को ये मिलता है यहाँ पे आता है तो हम देखते हैं ए सिरा क्या हो जाएगा इस समय ऋणात्मक हो जाएगा जैसे कि पहले बी वाला डी टू क्या था ऋण पे आ जाएगा अर्थात क्या हो जाएगा ये पश्चिम के दूसरी अर्ध चक्र में जैसे ही ए वाले सिरे पे ऋणात्मक आएगा अर्थात डी वन जो अपना डायोड होगा वो क्या कहेगा हो जाएगा और डी टू क्या हो जाएगा अग्र अभिनत्व होने के कारण अपने को विद्युत धारा प्राप्त हो रही है अर्थात ये तरंग का पूरा भाग है इसका रेक्टिफायर हो गया है। लेकिन आप ये देख रहे हैं बीच में उठा चढ़ाव आ रहे अर्थात इसमें क्या है चूंकि हमने कहा था डायरेक्ट धारा क्या होती है सीधी रेखा में प्राप्त होगा लेकिन सीधी रेखा में प्राप्त नहीं होती है इसके कारण इसमें क्या है फिल्टर आदि का उपयोग किया जाता है जिससे धारा अपने को सीधी प्राप्त होती है अर्थात इसमें क्या है एक उपयोग जैसे फिल्टर है फिल्टर वाला क्या है ये देखिए। तो ये अपन ने अभी तक क्या पढ़ा था अर्ध तरंग, तो आज का अपना मेन उद्देश्य था पीएन संधि डायोड का अर्ध
तरंग रेजुकारक दृष्टकारी के रूप में उपयोग और पूर्ण तरंग रेजुकारक के भांति उपयोग पड़ा। ठीक है, जो आपने देखा और आशा है कि आपको समझ में भी आया होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था दृष्टकरण कर रहे खराब हो रही। इसके साथ में इनका फिल्टर यूज किया जाता है। फिल्टर का जब अपन करेंगे, फिल्टर परिपथ है, मैंने वो भी आपको बता दें ये क्या होता है। वही चीज है जो अपन पहले पढ़ चुके हैं, नेवेसी वोल्टेज है। दृष्टकारी यानी जो अपन पीएन संधि डायोड अपने जो पुराना जैसे ये वाला था, ये पूरा छिपका है। यहाँ पे हमने एक कोष्टक में ले लिया अर्थात ये निर्गत वोल्टेज, यहाँ से दृष्टकारी हो गया। दृष्टकारी का निर्गत वोल्टेज है, इसमें एक संधारित कैपेसिटर अपन ने सी लगा दिया। उस बाद फिल्टर आल के द्वारा जो अपन को धारा प्राप्त होगी वो क्या हो जाएगी, लगभग विद्युत धारा के रूप में, डीसी करंट के रूप में प्राप्त हो जाएगी। सभी को मुझे ऐसा लग रहा है सबको समझ में आया होगा, हाथ उठाए समझ में आया। हाँ ठीक है, बैतूल वाले हाथ नहीं उठा रहे, क्या बात है बेटे, आप लोगों को नहीं समझ में आया क्या? चलिए ठीक है दिया। ठीक है, इसके बाद मैंने ये पीएन संधि डायोड का उपयोग क्या क्या है, कैसे किया क्या है अपन ने इसका उपयोग किया है और उसके विषय में अपन पूरा पढ़ा है। जहां तक मुझे है या आपको विश्वास है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नमस्कार आप लोगों को एक बार फिर से। ठीक है।